तो जय हिंद बोल, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस फाइनली आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो आ चुकी है सीआरपीएफ के रिगार्डिंग। आपको दोस्तों अपना फॉर्म सीआरपीएफ का ऑनलाइन फिलअप कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉपर तरीके से पूरी जानकारी प्रोवाइड करवाऊंगा। प्लीज दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। तो गाइस सबसे पहले आपको अगर अपना फॉर्म फिलअप करना है सीआरपीएफ हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल या फिर एएसआई में, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में, सबसे पहले आपको अपना मोबाइल या फिर आपको लैपटॉप पीसी ओपन कर लेना है। सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है, ठीक है। जो भाई तो आपकी जो साइट है गूगल की आपको पता भी होगा, www.google.com, ठीक है। गूगल पे आप आ जाते हो, यहाँ फिलअप करना है आपको सीआरपीएफ। तो गाइज मैंने यहाँ पे नॉर्मल सीआरपीएफ फिलअप किया है, तो मैं इंटर क्लिक कर देता हूँ। और गाइज यहाँ पे देखिए फर्स्ट में crpf.gov.in, ये दोस्तों आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। एंड गाइज देखिए जैसे ही मैंने साइट को ओपन किया आपके सामने ये इंटरफेस आ गया है, टू अप्लाई फॉर एएसआई स्टेनो एंड एससीएम एग्जाम 2022। तो गाइज मैं यहाँ पे टू अप्लाई पे क्लिक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने टू अप्लाई पे क्लिक कर दिया है। एंड गाइज हम नीचे आ जाते हैं। फ्रेंड्स अभी देखिए, टू रीड एडवर्टाइजमेंट मैनुअल ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू लॉग इन टू रजिस्टर। तो गाइज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ रजिस्टर नहीं कर रखा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक कर देता हूँ। गाइज अगर आप भी न्यू कैंडिडेट हो तो आप क्लिक हेयर पे क्लिक करना है यहाँ पे टू रजिस्टर के सामने। तो गाइज मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया फ्रेंड्स, और आपके सामने जो भाई नया इंटरफेस है वो आ जाएगा, ठीक है। और हमारे सामने नया इंटरफेस आ चुका है। अभी आपको गाइज नीचे आना है थोड़ा सा, और रेफरेंस अभी देखिए पोस्ट नेम। गाइज देखिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, जिसमें आपके पास प्लस टू पास, साथ में आपको स्टेनो आने चाहिए। एक पोस्ट है आपकी एससीएम की, हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल की, जिसमें आपके पास प्लस टू पास, साथ में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे गाइज आपको एससीएम का फॉर्म फिलअप करके दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स अभी देखिए कैंडिडेट नेम आपका दोस्तों जो भी नाम है आपको यहाँ पे वो फिलअप कर लेना है। तो मैं यहाँ पे राहुल डाल देता हूँ। और गाइज यहाँ पे आपको अपना फोन नंबर डाल देना है, ठीक है। तो भाई फोन नंबर यहाँ पे हम भर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम फोन नंबर डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे फोन नंबर डाल के आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो को पूरा वॉच करना है, ताकि आपको कोई गलती आप ना करो इस फॉर्म में। अगर आप गलती कर देते हो गाइस तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। और गाइस देखिए मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल दिया है। अल्टरनेटिव नंबर आपके पास कोई है डाल दीजिए, अदरवाइज को छोड़ सकते हैं आप। और फ्रेंड्स आगे देखिए ईमेल आईडी, तो भाई यहाँ पे आप ईमेल आईडी डाल लेते हैं अपनी, कोई भी आपको डाल देनी है ऐसे। इसके मैं यहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ, आपको ऐसे ही फिलअप करना है और कन्फर्म ईमेल आईडी कर देना है आपको। तो गाइस मैंने यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी कर दिया है अपना। इतना क्लिक करने के बाद दोस्तों आगे आपको चलना है। एंड फ्रेंड्स ये देखिए आई एग्री पे क्लिक कर देता हूँ मैं। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कंफर्म ईमेल एड्रेस डज नॉट मैच। अच्छा मतलब गाइस यहाँ पे दिखा रहा है ये कि आपने ये सही से नहीं डाला। तो आप भाई मैं इसको यहाँ पे स्मॉल लेटर में कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस देखिए एक एक गलती आपको बता देता है कि आप ये गलती कर रहे हो। गाइज आपको गलती नहीं करना है, ठीक है, आपको अच्छे से फॉर्म फिलअप करना है। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से फिलअप कर दिया है अभी, और मैं अब आई एग्री पे क्लिक कर देता हूँ। और गाइज यहाँ पे क्लिक हो गया है। अब आपको कैप्चा कोड डाल देना है। तो गाइज मैं ये कैप्चा कोड है यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ अभी। 3H आई थिंक दोस्तों यहाँ पे स्पेस नहीं होगा, 8Z4P, ठीक है। देखो यहाँ पे फ्रेंड्स कर देते हैं इस पर क्लिक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है इसके ऊपर, देखते हैं दोस्तों हमें क्या ऑप्शन आता है। पोस्ट हेड कोर्स मिनिस्ट्रियल, ठीक है, आपका नाम यहाँ पे आ गया है, आपको इन सब पे टिक कर देना है। आपकी जो ईमेल आईडी है सही है फिर नहीं है वो चेक करना है आपको। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइज मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है क्या आप एकदम श्योर हो, तो मैं श्योर हूँ, तो मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। तो गाइज देखिए जो आपका नंबर है यहाँ पे आपके सामने आ चुका है, रजिस्टर्ड आईडी आपका नंबर जो है आपके सामने आ चुका है यहाँ पे। इसका आपको फोटो क्लिक कर लेना है फोन में, या फिर दोस्तों आपको इसको कहीं नोट कर लेना है। मैं कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। गाइज यहाँ पे देखिए गो टू एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स आपको इतना सा फिलअप करने के बाद आपको गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। गाइज देखिए जब आप गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेते हो आपके सामने नया इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि हमारे सामने अभी आ चुका है। एंड यहाँ से हम किसी क्लोज कर देते हैं।
तो गाइस देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आ चुका है, यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल आपको पता है जो पोस्ट है आपकी मेल फीमेल दोनों के लिए हैं। डीओबी आपको यहाँ पे फिलअप कर लेनी है, जो आपकी डीओबी है यहाँ से आप फिलअप आराम से कर सकते हैं। गाइस देखिए आप अपने फिलअप कीजिएगा, ये मेरी वाली फिलअप मत कीजिएगा, मैं आपको नॉर्मल तरीके से सिर्फ ओनली फॉर्म फिलअप करके दिखा रहा हूँ। कहीं आप सभी यही सब भर दो, ये सब आपको नहीं फिलअप करना है, आपकी जो गाइस कैटेगरी है आपको वो फिलअप करना है। तो मैं यहाँ पे एससी कर लेता हूँ, और आपको फ्रेंड्स आके चल के अपना फादर नेम डाल देना है। तो गाइस यहाँ पे मैं फादर नेम वैसे डाल देता हूँ, फादर नेम आपको डाल देना है, स्टेटस डाल देना है आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, तो अनमैरिड कर लेता हूँ मैं। फोन नंबर आपको दिखेगा यहाँ पे, ईमेल आईडी दिखेगी। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए टेस्ट रेफरेंस, या फिर देखिए टेस्ट सिटी प्रेफरेंस। तो गाइस यहाँ पे आपको पूछा गया कि आप अपना एग्जाम है जो कहाँ देना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे कोई भी सेंटर्स को अप्लाई कर यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ मैं। यहाँ पे असम ने डाला है, दिल्ली डाल दिया है, और मैंने गाइस यहाँ पे गुजरात डाल दिया है। असम में दोस्तों यहाँ पे गुवाहाटी है, तो मैं यहाँ पे गुवाहाटी कर लेता हूँ। दिल्ली में आपका यहाँ पे न्यू दिल्ली कर देता हूँ मैं, और गुजरात में आपका वापी कर देता हूँ, क्योंकि तीनों सेंटर पास में है। आप अपने अनुसार फिलअप कीजिएगा, जो आपके पास में हो आप उसी सेंटर पर क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। आर यू एक्सेस मैन, अगर आप हो तो येस करें, अदरवाइज आप नो करें। और गाइस यहाँ पे देखिए आगे से पूछा गया है आर यू चिल्ड्रन डिपेंडेंट ऑफ केल्ड इन 1984, तो यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ, और ऊपर वाले पे भी नो कर देता हूँ, क्योंकि मैं सर्विस पे नहीं हूँ, यहाँ पे 3 इयर्स मुझे कंप्लीट नहीं हुआ है, सो इसलिए। एंड यहाँ पे देखिए सेव एंड नेक्स्ट आपको क्लिक कर देना है, फिर आप सेव भी कर सकते हैं, तो मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। गाइस देखिए यहाँ पे डाटा एकदम सेव हो चुका है आपका। और आगे फ्रेंड्स देखिए आपसे पूछा गया है आपका एड्रेस, तो भाई जो एड्रेस है आपका आप डाल सकते हो, कुछ भी एड्रेस आप डाल सकते हो, जो आपका एड्रेस है वही डालना है, आप कुछ भी नहीं डालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मुंबई कर लेता हूँ, इंडिया कर लेता हूँ, और स्टेट कर लेता हूँ यहाँ पे आपका, ठीक है, स्टेट आपका दोस्तों जो भी है आप वो फिलअप कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे कर लिया महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट आपका कुछ भी आप कर सकते हो, जो आपका है आपको वही करना है, ध्यान दीजिएगा, पिन कोड आपको डाल देना है, ठीक है, जो पिन कोड है आपका वो फिलअप करना है आपको। और गाइस यहाँ पे देखिए परमानेंट एड्रेस, हाँ परमानेंट है, तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ, अदरवाइज आपको नो करना था यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे देखिए सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ मैं। तो गाइस देखिए डाटा सेव हो चुका है हमारा। आगे फ्रेंड्स देखिए आपसे पूछा गया है यहाँ पे नेम ऑफ काउंसलिंग, नेम ऑफ बोर्ड, तो मैं यहाँ पे HBSC बोर्ड कर देता हूँ। और आगे फ्रेंड्स देखिए अपने कौन साल में पास की थी, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2013 में। और गाइस यहाँ पे आपका स्कूल का नाम गवर्नमेंट हाई स्कूल, ठीक है। और आगे फ्रेंड्स देखिए आपसे पूछा गया है यहाँ पे आपके जो मार्क्स हैं परसेंटेज में या फिर आपके ग्रेड में है, तो मैं परसेंटेज डाल देता हूँ यहाँ पे। मार्क ऑब्टेंड, कितने आपको मार्क्स हैं, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ गाइस यहाँ पे 350 डाल देता हूँ मैं, मैक्सिमम आपके 500 होते हैं ज़्यादा, तो ठीक है, आपका परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा अपने आप, ऑटोमेटिक निकल के आएगा वो, आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है। नेम ऑफ बोर्ड आपको गाइस अपने जो प्लस टू पास है कौन से बोर्ड से की थी आपको वो पूछा गया है, कौन से साल में पास की थी ये आपसे पूछा गया है, तो मैं यहाँ पे 2015 कर लेता हूँ, क्योंकि 2 साल का गैप होता है। गवर्नमेंट सर सेकेंडरी स्कूल यहाँ पे कर देता हूँ मैं, जो आपका स्कूल का नाम है वो फिलअप करना है आपको, नेम ऑफ बोर्ड करना है, ईयर ऑफ पासिंग करना है, और प्लीज सेलेक्ट एनी फॉलोइंग, आपके जो नंबर है ग्रेड पे में थे फिर आपके परसेंटेज में थे वो फिलअप करना है, टोटल आपके मार्क्स कितने हैं आपको वो डाल देना है यहाँ पे, आपके मतलब 500 में से कितने मार्क्स आए थे, और आपके गाइज मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 500 होते हैं, परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। सेवन नेक्स्ट कर देता हूँ मैं। तो गाइज यहाँ पे देखिए, गाइज देखिए मैंने यहाँ पे SC किया इसलिए यहाँ पे 0 फीस है, अगर आप जनरल करोगे OBC करोगे तो आपको यहाँ पे फीस पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे गाइस देखिए यहाँ पे 0 फीस निकल के आ रहा है यहाँ पे, आई हैव यहाँ पे फ्रेंड्स पे आप कर देता है आपके सिलेक्ट करना है, यहाँ से आई हेयर बाय डिक्लेयर आप कर देना है, आई हैव रीड एडमिटमेंट कर देना है, आई एम पोजिशन ऑफ आर सर्टिफिकेट, मेरे पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, आई एग्री कर देना है आपको गाइज, इन 5 कॉलम्स को सिलेक्ट कर देना है, मतलब यही है, ठीक है। और आपको गाइज यहाँ पे देखिए कैप्चा कोड मिलेगा, ये आपको फिलअप करना है, तो मैं कैप्चा कोड यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। ये गाइस देखिए प्रीव एंड सबमिट, तो मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ इसको भी क्लिक करके। प्लीज अपलोड द स्कैनर कॉपी ऑफ द पासपोर्ट साइज, अच्छा जी। तो गाइस ऊपर देखिए आपसे आई थिंक डॉक्यूमेंट के फोटो मांगेगा ये, तो
गाइस देखिए यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। क्या क्या है यहाँ पे? अपलोड स्कैनर पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। आपको गाइस यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, तो मैं अपलोड फोटो कर लेता हूँ अपना। मेरे पास जो फोटो है मैं यहाँ पे अपलोड आपको करके दिखा देता हूँ गाइस, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ब्राउजर पे चलते हैं हम, और यहाँ पे मैं डालता हूँ डाउनलोड पे। गाइस यहाँ पे मेरे फोटोज होंगे जहाँ तक मुझे पता है। तो गाइस यहाँ पे हम आ चुके हैं फोटो के ऊपर। तो गाइस यहाँ पे मैं फोटो पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। और मेरा फोटो जो है वो अपलोड हो चुका है, यहाँ पे आपके सामने भी आ गया है फोटो। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए थोड़ा सा हम इसको आगे कर लेते हैं, एक सेकंड का वेट करें आप। सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, ध्यान दीजिएगा, सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं आपको। प्लीज एक्सटेंडेड अपलोड फाइल साइज, फाइल साइज, अच्छा फाइल का आपको साइज ठीक से कर लेना है। इसमें 50-80 KB आपकी फाइल होनी चाहिए, 50-80 KB की होनी चाहिए। ज़्यादा आप बड़ी फाइल आप अपलोड नहीं कर सकते हैं, ओके। तो मैं गाइज इन फाइल का साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो गाइज देखिए मैंने यहाँ पे दोस्तों अपने ओल्ड डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड कर दिया है। तो गाइज आप देख पा रहे हो अपलोड योर सिग्नेचर, अपलोड योर यहाँ पे पासवर्ड साइज फोटो। गाइज देखिए जब अपने डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर दोगे तो गाइज यहाँ पे टिक मार्क का ऑप्शन आएगा आपसे कि हाँ आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। गाइज देखिए आपका जो साइज है 10th का प्लस 2 मार्क्सिट का कास्ट सर्टिफिकेट का 100 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। और गाइज आपका यहाँ पे जो फ्रेंड्स देखिए ऊपर जो फोटो आपको दिख रहा है, फोटो साइज और आपका सिग्नेचर साइज का भी 50-100 KB के बीच में आपका साइज होना चाहिए, तभी आप अपलोड कर पाओगे। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जैसे कि मुझे